जी अस्सलाम वालेकुम। अच्छा उस दिन ना मैंने देखा था घर में जाके, क्योंकि मैं करवा रहा था आपको कोर रिडक्स। हमारा सारा काम ठीक था, यहाँ तक हमने सारा ठीक किया हुआ था, ये भी ठीक था, एक्शन भी ठीक है आपके, सेम ही एक्शन भी, सेम ही कंबाइन रिड्यूसर है, स्टोर भी सेम है, और जहाँ पे हम उसको गेट कर रहे थे, हम नैब बार में उसको गेट कर रहे थे, ये भी ठीक है, देखिए सेम ही है कोड, सिर्फ बदला पता क्या है, रिड्यूसर में जाके नहीं यहाँ पे जाके कोड भी हमने ठीक लिखा हुआ है, ये देखिए यहाँ तक हमने कोड कर लिया हुआ था, ये वाला ये आपको याद होगा, ये उस दिन हमने किया हुआ था, ये माइंड में मेरे जेन में नहीं रहा कि हम रिडक्स पढ़ रहे हैं कोड, ये रिडक्स टूल किट में तीनों चीजें मिक्स हो जाती हैं, ये कोड रिडक्स टूल किट में एक्चुअल यही कोड है, कॉपी भी ले रहे हैं जब आप सिंपल इसमें आते हैं ना रिडक्स में, क्योंकि रिडक्स अब हम नॉर्मल लाइफ में यूज काम ही करते हैं, अभी इससे काफी एडवांस चीजें आ गई हैं, तो टॉपिक के तौर पे कोई पढ़ाना पड़ जाए तो पढ़ा देते हैं। ये देखें उस दिन हमने ये इंडेक्स फाइंड किया था, जो इंडेक्स आया अगर वो चेक किया कि अगर तो वही वाला इंडेक्स, मिसाल है जिस प्रोडक्ट पे क्लिक किया वो 2 प्रोडक्ट है, मुझे उसका इंडेक्स मिल गया तो उसी की जगह मैंने क्वांटिटी इंक्रीज कर दी, ये रिटर्न नहीं हम कर रहे थे कि वो क्वांटिटी की, पहले तो आप अपडेटेड क्वांटिटी लें और वो क्वांटिटी लेके कार्ड के हवाले कर दें, ये वाला काम नहीं कर रहे थे, बस ये चेंज ही करेंगे। बाकी ये देखें उस दिन वाला कोड भी मैंने नीचे कमेंट किया हुआ है, अब अगर आप जाके देखें यहाँ पे ऐड करें इसको, यहाँ पे क्लिक करें ऐड टू कार्ट, ऐड टू कार्ट, ऐड टू कार्ट, ये देखें 3 हो रही हैं, ये मैंने यहाँ पे भी बना दिया, बहरहाल इसको कर लेते हैं, इसकी लॉजिक ये मैं करवा देता हूँ फिलहाल, आप अभी कार्ट तक का प्रोसेस देखें, प्रोडक्ट में जाएं, अगर सेम को दोबारा करते हैं 2 दफ़ा, इसको दो दो दफ़ा करते हैं, देखें इनकी क्वांटिटी इंक्रीज हो जाएगी, देखें ये क्वांटिटी इंक्रीज हो, ये वाला फिलहाल मैं उड़ा देता हूँ कार्ड वाला पेज, बाकी ये रिटर्न नहीं हम कर रहे थे, और दोनों में रिटर्न होना था, और सेम रिमूव फ्रॉम कार्ट है, उसकी पहले देखें कि किस चीज को क्लिक कर रहा है, ये आज हम लॉजिक इस पे लिखेंगे सारी, अगर तो उसकी क्वांटिटी एक से बड़ी है तो उसमें से एक माइनस कर दे, ये असल लॉजिक ये है, देखे ना यहाँ पे अगर 2 है, अगर मैं इस पे क्लिक करूँ तो ये एक माइनस हो जाना चाहिए, अगर ये 5 है तो एक माइनस होके 4 रह जाए, ये दूसरी लॉजिक है, और तीसरी लॉजिक थी वो एम्प्टी कार्ड करना है, तो ये बिल्कुल ही हमने एम्प्टी कर दिया, स्टेट की कॉपी ली और स्टेट के हवाले डाटा कर दिया, ये देखो ये रिमूव करने के लिए बेसिकली, ये तो रिमूव करने के लिए, चलो एम्प्टी लिख देते हैं, रिमूव एक ही चीज है, हम उस दिन यहाँ पे अटके हुए थे इस जगह पे, ये नीचे मैं सब कुछ निकाल देता हूँ, बल्कि ये ठीक है, ये पढ़ लिया आपने, यू सिलेक्टर में याद है उस दिन कैसे यू सिलेक्टर को यूज किया था, यू सिलेक्टर में से स्टेट में जो डाटा पड़ा है किस में पड़ा है, कंबाइन रिड्यूसर में जाए देखें, कार्ड रिड्यूसर ये पड़ा डाटा, इसको निकाल लिया था मैंने, बार पीछे आपका डाटा आ रहा था, यहाँ पे डाटा की वो क्लोनिंग नहीं कर रहा था, मल्टीपल कॉपीज नहीं बना रहा था, जब वो उसको मैंने घर जाके वो नाइट में टाइम फ्री मिला तो देखा, पता चला कि ये अलग अलग इस पे मैंने एक्सपेरिमेंट किया है, तो हम इसको रिटर्न नहीं कर रहे थे, मैं इसको कंसिडर कर रहा था उसके एंगल से, रिडक्स टूल किट से, तो इसलिए मैं अभी रिडक्स टूल किट का भी अगर आपको कॉन्सेप्ट करवाऊंगा ना, तो ये आपका कोड इतना ही काफी है, ये वाला ये उसमें होता पता क्या, उसमें एक्शन और रिड्यूसर दोनों मिक्स हो जाते हैं, इसमें दोनों अलग अलग है, इसमें एक्शंस भी अलग हैं और रिड्यूसर्स भी अलग हैं, तो हमने रिड्यूसर्स एक्शन में से रिड्यूसर को डाटा तो भेज दिया था, इनिशियल स्टेट में डाटा प्रॉपर जा नहीं रहा था, ये रिटर्न किया है क्योंकि हम एक ऑब्जेक्ट ले रहे हैं, ये देखिए उसी ऑब्जेक्ट की पहले क्लोनिंग की, देखें हो सकता है उसने 1 इंक्रीमेंट किया हो, वो 2 हो गया, उसकी पहले कॉपी ली और मौजूदा में जाके चेक करेंगे कि अगर वो 2 है तो एक और ऐड करके 3 कर देंगे,
अगर नहीं है तो वो एज इट इज अरे के अंदर कॉपी होते जाएंगे, जितने आते जाएंगे स्टेट में। अब उसने नई प्रोडक्ट पे क्लिक कर दिया, नई आ जाएगी, फिर नई पे क्लिक किया वो एक और इसमें आ जाएगी, वो सारी अल्टीमेटली ऐड होते होते आपके अरे में ऐड हो जाएंगी। इसके बाद हमारा यहाँ पे काम अब स्टार्ट होना था पेजेस पे, ये बना ले। इसको बोल के आप ये डिलीट भी कर देंगे। जब मैं कार्ड पे क्लिक करूं, अच्छा वो कार्ड पे क्लिक किया है तो उसको उड़ा ही देते हैं, दरम्यान में से डाटा ही सिर्फ उड़ा देते हैं। ये सब कुछ उड़ा देते हैं और ये उड़ा देते हैं। चलो कार्ड डिटेल पेज, ये तो सिंपल आपने वो लगाया, नेविगेशन लगाई हुई है। इस पे क्लिक करें, इस बटन पे आप नैव बार में जाएं, ये देखें, ये देखें टू, उस पेज पे एक HRF बनाया हुआ। और इसका मेन में अगर आप जाके देखें, यहाँ पे आप ऐप में देखें जाके, ऐप के अंदर तो ये एक नया राउट ऐड हो गया, एक नया राउट ऐड हो गया। बस अब यहाँ पे ये वाली आपने प्रोडक्ट सारी डिस्प्ले करनी है, जो आपके उस दिन हम गुल अहमद वाली एग्जांपल लेके चल रहे थे, तो जब मैं व्यू कार्ड करता हूँ, ये इधर बनाने के बजाय मैंने इसका डायरेक्टली डिटेल पेज बना दिया, ये वाला, ये बनाना चाह रहे हैं आप, शॉपिंग कार्ड उसका नाम दिया हुआ है अपने, इसको बंद कर दें, इसको फिलहाल जरूरत पड़ेगी, इसको भी बंद कर दें, शॉपिंग कार्ड। अच्छा इसको डबल जी शॉपिंग कार्ड, इसको बूटस्ट्रैप लगी हुई है तो क्लास नेम दे के इसको आप लीड कर दें, लीड वैसे ही हो गया, या सेकेंडरी कर दें, MY5 कर दें, FW होल्ड कर दें और टेक्स्ट स्टार्ट कर दें। लीड भी ठीक है, फिर कलर अजीब सा हो जाता है, सेकेंडरी टेस्ट सेकेंडरी। और मार्जिन स्टार्ट से देना, MS ठीक कर लें। अच्छा जी ये देखें, ये वाला अब हमने पहले तो डाटा ये वाला यहाँ पे ड्रा करना है, इससे पहले जो कार्ड में डाटा आ रहा है ना, ये आपका डाटा कहाँ पे आ रहा है, नैव बार में देखें, ये यू सेलेक्ट। अब जिस जगह आपको डाटा चाहिए ना, वो सिंपल आप जाके इसमें से निकाल सकते हैं, प्रॉब्लम ही कोई नहीं। यू सेलेक्टर में अब इस पेज पे चाहिए, सिंपल डाटा में यू सेलेक्टर कॉल करूंगा, यू सेलेक्टर कॉल हो गया। इसके अंदर मैं स्टेट में जाऊंगा और स्टेट के अंदर जो मेरा डाटा पड़ा है, किसमें पड़ा है डाटा, ये पड़ा है, कॉपी इसको कर दें पेस्ट, और इसको आप करें लेट कार्ड्स, और कंसोल डॉट लॉग करके देखें, डाटा ऑन शॉपिंग कार्ड पेज क्या आ रहा है, ये कार्ड जहां भी आपने डाटा निकालना है वो यू सिलेक्टर से निकाल सकते हैं, जितनी भी लेंथ है ना वो इसके अंदर ऐड होती जाएगी। इसको अब आप यहाँ पे आगे निकालें, ये 5-6 जितने भी हैं, हम इसकी बजाय पहले इसमें जाते हैं, इस जगह पे इसको कंसोल किधर गया भाई, ये पड़ा
ये आर है नीचे, ये देखें, ये एक ऑब्जेक्ट आ रहा है, ऑब्जेक्ट है कार्ड्स के नाम से, देखिए छह ऑब्जेक्ट है। ये शॉपिंग कार्ड के पेज पे भी आ जाए तो कार्ड्स को हम डायरेक्टली डिस्ट्रक्चर कर लेते हैं। अब वो डायरेक्टली मुझे डाटा मिल जाएगा। इसको आप एक दफा रिफ्रेश करें, दोबारा ऐड करें, इसको बंद करके ना एक दफा इसको रिफ्रेश करें, होम पे जाएं, प्रोडक्ट्स पे, इसको क्लियर कर दें। वन नैब बार में चला गया, और अब मैं जाता हूँ कार्ड के पेज पे, इस पे क्लिक करूंगा तो ये देखें दैट टाइम शॉपिंग कार्ड। यार तो अब ये आपने सिर्फ इसको डिस्प्ले ही करना है इस फॉर्म में, वो अब आपकी चॉइस है, इस पे जैसे मर्जी डिस्प्ले कर सकते हैं आप। बेशक कार्ड बना लें, कुछ डिज़ाइन इस तरह का बनाना चाहते हैं, कुछ डिस्प्ले फ्लैक्स, वैसे इसको 1 2 3 4 5 टेबल बना लें ज़्यादा अच्छा रहेगा। ये देखें ना, एक आइटम 1 2 3 4 5 पांच कॉलम हो जाएं, और एक बल्कि डिलीट भी हम इधर ही साथ ही दे देते हैं, छह कॉलम कर लें, 1 2 3 4 5 6 छह कॉलम कर दें। लेकिन ये छह कॉलम बनाने के लिए पहले आपको एक डिव लेनी पड़ेगी, उसको बेशक आप 3x9 में कर लें या 2x10 में कर लें। पहले तो आप ये वाला काम करें ना, यहाँ पे एक डिव लें। ये आपका वो फ्रंट एंड वाला आपकी स्किल है, आप लाजमी है कि वही वाला करना है, आप सिंपल भी इसको कर सकते हैं। एक क्लास लें कंटेनर, इंक्लूड कर लें इसको, कंटेनर इंक्लूड कर लें तो पूरे पेज पे आ जाएगा, अदरवाइज आप जितना डिस्ट्रीब्यूट करेंगे वो उतना हो जाएगा। यहाँ पे क्लास रो दे लें, क्लास नेम रो कर लें, और यहाँ पे आप आ जाएं, दो कॉलम बनाने हैं। इसको मैं क्लास दे देता हूँ, क्लास नेम कॉल एल जी 9 9 दे के देते हैं, लेफ्ट साइड पे कितना आ रहा है, बल्कि 8 देता हूँ, उसकी मैं वजह बताता हूँ अभी आपकी। और इसको देता हूँ 2, 10 हो गए, मार्जिन एंड 2 दे देते हैं, राइट। इसको बीजी दे दें इनको, और बीजी वार्निंग दे दें, ये ओके, इसको कर दें और नीचे आ जाएगा 3 कर दें, और एम एक्स ऑटो कर दें, नहीं फिर वो बाहर एक कंटेनर लगाना पड़ेगा। चलो इसके अंदर फिलिंग करते हैं एक दफा जी, इसको अगर खाली कंटेनर कर दें तो वो ऑटोमेटिक स्मॉल हो जाएगा, ये ठीक है, ये काम ठीक है। नहीं इसके अंदर आपने टेबल बनाना है लेफ्ट साइड पे, आप इसको कमेंट करके कह दें जी लेफ्ट साइड, ताकि वो अगर आपको कल को कोड के अंदर चेंजेस भी करनी पड़े तो समरी एरिया या राइट साइड। इसके अंदर आपने बनाना है टेबल 6 कॉलम का, सिंपल आप यहां से टेबल उठा लें, लैपटॉप है ही आप लोगों ने आज करना है सारा, क्योंकि ये करेंगे नहीं ना तो उसका कोई फायदा नहीं होना। इसी को पिक कर लें, या चलो इसी को करते हैं बाद में सेट कर लेंगे। छह कॉलम चाहिए, यहाँ पे फिलहाल खाली छोड़ देते हैं, एंड एन बी एस पी, यहाँ पे क्या आएगा जी, इन्होंने नाम ऊपर लिखे हैं कुछ भी नहीं वैसे लिखा हुआ है, आगे वाले में 2 कॉलम है, इसको आइटम कह दें आइटम, इधर उसकी वैसे डिस्क्रिप्शन आनी चाहिए, चलो डिटेल लिख देते हैं, आगे प्राइस आ जाएगी, और
क्वांटिटी और सब टोटल। तो एक दो तीन चार पाँच छः हो गए, इसको उड़ा दें फिलहाल, छः कर लें, बाकी सब उड़ा देंगे वाला। कंट्रोल एस बीजी इनको दिया होगा, तो इसको फिलहाल के लिए अभी उड़ा दें, ये बन गया। तो बीजी से कंट्री इधर नहीं देनी, इधर दे दी क्लास लें। ये वाला भी कंप्लीट हो गया, इसको भी कंप्लीट कर लेते हैं। इसमें हमने क्या दिखाना है, इसमें राइट साइड पे देख लेते हैं हमें दिखाना क्या है। समरी है, एस्टिमेटेड शिपिंग है, फलां फलां चेकआउट है, ओके, तो सीधा सीधा काम है। इसको हम कह देते हैं लिस्ट ग्रुप होता है, उसके लिए लिस्ट ग्रुप बनता है, आई थिंक लिस्ट ग्रुप इसी तरह का ले लें, इसको अपने हिसाब से सेट कर लेंगे, इसी को कॉपी कर लें, यहाँ पे पेस्ट कर दें, ये लें। समरी उसके बाद एस्टिमेटेड शिपिंग एंड टैक्स, एस्टिमेट शिपिंग एंड टैक्स, और एफ डब्ल्यू बोल्ड कर दें। इसके बाद नीचे दो इकट्ठे ही हैं, लिस्ट ग्रुप आइटम ठीक है, और यहाँ पे एक आपकी एच आर लग जाएगी और ऑर्डर टोटल। चलो नीचे एक बटन भी बन जाएगा, कंटेनर ब्लू निकाला, ऑर्डर टोटल अलग हो गया। एच आर लगा दिया हमने, ठीक है हमने, चलो अपने हिसाब से बना रहे हैं भाई, कोई मसला नहीं। ऑर्डर टोटल इधर कर रहे हैं, इधर हमने अपना डिजाइन बना लेते हैं। और यहाँ पे मैं एक ले लेता हूँ बटन एक डिव के अंदर, उसको आप दे दें एक एंकर टैग, और यहाँ पे लिख दें चेकआउट, चेकआउट, और यहाँ पे क्लास नेम दे दें बीटीएन, बीटीएन हाइफन डार्क, और के आउटलाइन डार्क कर दें, आउटलाइन रहने दें फिलहाल। क्लास नेम दे दें डी क्लास, तो फिर वैसे ही ठीक है, इधर ही पढ़ा रहे हैं बाद में इसको देखते हैं। जी सर, जी सर, हाँ आज जो उम्मीद है कर देंगे, क्योंकि वो उसे पहले देखो, और सुबह मैंने नहीं पता, क्योंकि मैं ऑफिस आ गया था, मैं सर आपसे सर, बस ठीक है, ऑफिस पहुंच गया था, मैं केस टाइम की कॉल की था, मैंने नहीं वैसे पता चलने। चलो मैं एक दफ़ा आप ही करवाना हूँ, कह दे रहे कि बड़ा अच्छा है, सिस्टम बना रहे हैं। ओके
चलें जी, बेसिक आपका डाटा आ गया है, यानी इसके अंदर ही अब हमने डाटा शो करना है। ये जो मार्क लिखा हुआ है इसको तो करें ना किसी तरीके से, यहाँ पे हम लगा लेते हैं इसकी कोई रिएक्ट के आइकन की। वो लाइब्रेरी इंस्टॉल की थी हमने रिएक्ट आइकन, ये लगा तो है रिएक्ट आइकन, ठीक है, इसका मतलब है रिएक्ट को हम यूज कर सकते हैं। रिएक्ट आइकन कॉपी करें और टॉप पे पेस्ट कर दें यहाँ पे, और यहाँ पे ले ले शॉपिंग कार्ट नहीं ट्रैश, ये कॉपी हो गया, और यहाँ पे कर दें इसको पेस्ट, और इस जगह कर दें पेस्ट, ये इसको रेड कर दें, टेक्स्ट डेंजर। चलो इधर अब हम डिटेल शो करते हैं यूजिंग मैप, डाटा आपका आ चुका है इसके अंदर, तो इस पे आपने जस्ट मैप ही लगाना है। इसको पकड़ें और यहाँ पे मैप लगा दें, इसको कट करें और यहाँ पे आप लगा लें मैप कार्ड्स डॉट मैप। इसके अंदर वन बाय वन आपके पास आइटम आएगी, उसको आपने रिटर्न करना है इसके ऊपर, इसके इस जगह, ये इसको बल्कि एक ही लाइन में कर दें, अजीब सा लग रहा है। क्योंकि तीन रिकॉर्ड पड़े हैं तो वो तीन उसने बना दिए। अब यहाँ पे आपने शो क्या करना है जी, इस कॉलम में आपने शो करना है उसका पिक्चर आइटम डॉट क्या नाम आ जाएगा जी उसका, डाटा में देख लें इमेज आइटम डॉट इमेज, ये एक दफा सारे कर लें फिर देख लेते हैं आगे आ जाएगा उसका डिस्क्रिप्शन, नाम क्या आएगा आगे क्या लेना चाह रहे हैं, नाम ही ले लें वैसे टाइटल। इसके अलावा यहाँ पे क्या था, प्राइस है आइटम डॉट प्राइस, और इसके अलावा यहाँ पे क्वांटिटी कर लें आइटम डॉट क्यू एन टी वाई, इसके अलावा सब टोटल तो हमने करना है, ये हमें खुद ही करना है जीरो। ये देखो इमेज, इमेज क्यों नहीं उठा रहा, इमेज सही लिखा हमने, पर ये बड़ा मसला होता है इसका। लो इमेज क्यों नहीं आ रही है, एक मिनट पता करते हैं तो वैसे पता तो मुझे तो चल गया। हाँ जी क्यों नहीं आ रही, इमेज का टैग नहीं लगा हो रहा, हम टीडी के अंदर ये डायरेक्ट नहीं लगा सकते, इमेज का सोर्स देना पड़ेगा आई एम जी एस आर सी, वो हम डाटा ही समझ रहे हैं ना सारा, ये
ये करना पड़ेगा यार। अब ये तो बहुत ही ज्यादा बढ़िया है, इसको विथ कर ले हम फिलहाल, 40 करते हैं तो बहुत ही छोटी कहीं हो जाएगी। इतनी ठीक है भाई, इतने काम ठीक है, चेक कर लेते हैं कोई एक दो और ऐड करके। हाँ ठीक है मेरे यार, वो आपकी चॉइस है भाई, ये आप जितना मर्जी कर लें। और ये जो टाइटल है इसको क्लास नेम दे के टेक्स्ट स्टार्ट कर तो टेक्स्ट स्टार्ट में आ जाएगा। सेंटर में रखना चाहते हो सेंटर में रख लें। ये प्राइस भी उनकी आ रही है, क्वांटिटी भी 1 है। ओके अब सब टोटल कैसे निकालेंगे, प्राइस मल्टीप्लाई बाय क्वांटिटी। सिंपल ये देखिए यहाँ पे आ गई आइटम डॉट प्राइस मल्टीप्लाई बाय आइटम डॉट क्यू एन टी कंट्रोल एस। कल को अगर यहाँ पे दो होती है ना प्रोडक्ट्स, यानी मैन वाले को हम दो करके देखते हैं, 22 है अभी, तो अभी जाते हैं यहाँ पे इसको एक दफा और एक दफा और कर लेते हैं। अब जाते हैं यहाँ पे, ये देखो 3 टाइम होगी। वैसे तो हम यहाँ पे हमें चाहिए कि यहाँ पे वो प्लस और माइनस का बटन बनाएं, या मैनुअल टाइपिंग की इजाज़त दें यूजर को, या यहाँ पे हम क्वांटिटी के अंदर यहाँ पे दो बटन बनाएं किसी तरीके से इस पीडी के अंदर। यहाँ पे इसको कट करें, यहाँ पे दो बटन बना लें, बटन बना लें चलो, यहाँ प्लस कर लें, यहाँ वो आपका डाटा आ जाएगा, और यहाँ पे फिर इसकी कॉपी करें और इसको कर दें माइनस, और इसको आप कोई भी क्लास दे दें, क्लास नेम इज इक्वल टू ब्यूटी एंड डार्क कर लें, और मार्जिन एंड दे दें 2, ताकि राइट साइड पे थोड़ा सा फर्क आ जाए। बहुत ही बड़ा बटन बन गया है, और हम ये लगा गलत जगह रहे हैं, हमें चाहिए इसको कट करें, ये एक्चुअल में लगना है क्वांटिटी के साथ इस जगह, इस जगह, और इसको भी उठाएं यहाँ से, इसको वापस ले आए उसी फॉर्म में। लो और यहाँ पे माइनस कर दें, बल्कि ये पूरा क्लास लगी हुई है इसी को कॉपी कर लेते हैं, एक क्लास और दे, बटन बहुत बड़ा है, BTN SM कर लें, तो मॉल कोई तो फर्क पड़ेगा ना उस पे। और इसको कर दें माइनस, ये कंट्रोल एस, क्लोजिंग TD का क्लोजिंग टैग क्वांटिटी ए, इसको यहाँ पे कट कर दें। अब ठीक है, लो इसको भी मार्जिन स्टार्ट दे रहे हैं, मार्जिन एंड की बजाय मार्जिन स्टार्ट दे रहे हैं। हाँ ये ठीक होगा, नहीं जी एक दफा बेसिक तो चीजें होगी, इधर भी हमने टोटल शो करवाना है, इन सब का टोटल आता जाए। यहाँ पे आप एक फ्लैट रेट रख दें, वो आप लॉजिक लगा सकते हैं, अक्सर आपने देखा होगा ई कॉमर्स शॉपिंग वेबसाइट पे कि अगर आपका बिल 2000 से ऊपर हो तो वो आपको डिलीवरी चार्जेज नहीं लेंगे, अगर 2000 से नीचे है तो उन्होंने कोई फ्लैट रेट 200 या 199 रखा होता है कि हम आपकी 2000 से नीचे अगर ऑर्डर है तो हमें इतने चार्ज करने ही करने, यानी यूजर से वो ज्यादा पैसे कमाने की जगह में यूजर भी कहता है कि चले यार एक चीज और ऑर्डर कर, डिलीवरी तो फ्री होगी, उस चक्कर में वो 2000 का और ऑर्डर कर, वो भी यहाँ पे लॉजिक लगेगी आपकी, कि यहाँ पे आप कंडीशनल लगा सकते हैं। फिलहाल के लिए अभी आप वो फ्लैट भी रेट देना चाहते हैं तो मैं जनरल यहाँ पे लिख देता हूँ, इसको कर देता हूँ टैक्स स्टार्ट, और यहाँ पे लिख देता हूँ GST, फिलहाल ऐसे ही लिख देते हैं 17%, उसको बता देंगे कि ये होगा क्या। और फोर्थ इसमें इन्होंने क्या रखा था जी, शिपिंग डोमेस्टिक,
अच्छा ये सब टोटल आएगा ऊपर, यहाँ पे आना चाहिए सब टोटल, सब टोटल, और यहाँ पे आ जाएगा डोमेस्टिक शिपिंग, शिपिंग डोमेस्टिक, शिपिंग डोमेस्टिक। यानी फिर वो कहते हैं कि पाकिस्तान के अंदर ही हम कर रहे हैं, किसी और जगह नहीं कर रहे हैं, और उस पे उन्होंने दिए हुए हैं ₹99, 99 पी के आ। चलो चलिए, फिलहाल ये एक दफा बेसिक आपका स्ट्रक्चर डिजाइन हो गया। अब वन बाय वन इन पे लॉजिक लिखते जाएं, इस पे क्लिक करें तो इंक्रीमेंट हो, इस पे क्लिक करें तो डिक्रीमेंट हो, साथ इनकी टोटल प्राइस भी यहाँ पे बनती जाए, इधर सब टोटल इनका आता जाए, और यहाँ पे नीचे भी शो करना है तो नीचे भी कर लें। एक्चुअल में मैं चाहता हूँ कि टेबल के नीचे भी किसी ना किसी जगह पे शो हो जाए। अगर ये टेबल है तो इसके बाहर अगर मैं डेव लगाता हूँ, जाके एक डेव देता हूँ, क्लास दे देता हूँ, फिलहाल वैसे जर्नल उसको दे देते हैं, वेट उसकी 25 करते हैं, और एक रो लेते हैं, क्लास रो ले लें, और इसके अंदर एक आप ले लें कॉलम, डेव क्लास कॉल MD12, यहाँ पे दे दें सब टोटल, टोटल दे ठीक है यार, जितना भी बनेगा वो आपका यहाँ बन जाएगा इस जगह। इसका वो देख लीजिएगा अपने हिसाब से जहां भी बने, और यही वाला टोटल आपने इधर शो कर देना सब टोटल, वो एक जगह निकल आया तो मल्टीपल जगह पे उसको डिस्प्ले करना कोई प्रॉब्लम नहीं। सबसे पहले प्लस पे लॉजिक लिखेंगे, अब प्लस किधर आया जी, ये पकड़े प्लस आपका आ जाएगा यहाँ पे, ये इधर आ गया, इसके बटन के ऊपर आपने एक एक्शन ट्रिगर करना है यहाँ पे, ऑन क्लिक, ऑन क्लिक। मैं कहता हूँ जी आप एक कॉल बैक फंक्शन ही बना लें, जिसको करें जी इंक्रीज क्वांटिटी, और इसको जो भी डाटा मुझे आ रहा है यहाँ से पूरे का पूरा डाटा पास कर देता हूँ। इसको लहदा डिफाइन करता हूँ ताकि आपको ज़रा काम करने में आसानी हो। यहाँ पे उसको बना लें इंक्रीमेंटिंग क्वांटिटी बाय क्लिकिंग प्लस बटन। चलो यहाँ पे उसका नाम पेस्ट कर लें जो भी रखा है आपने, इसका नाम इंक्रीज क्वांटिटी कौन, ये आ गया एक सिंपल एरो फंक्शन होगा यहाँ पे। अब आप सिंपल ये वाला फंक्शन ही कॉल कर सकते इस तरह ऐड टू कार्ट वाला, आपने अब वो एक्शन ये वाला एक्शन भेजना है इस बटन के क्लिक करने पे, ये वाला ये एक्शन भेजना, इसके अंदर ही लॉजिक लिखी हुई है ना कि अगर क्वांटिटी पहले से एक हो तो उसके अंदर एक ऐड कर दो, अगर ना हो तो एक बाय डिफॉल्ट कर दो। ये एक्शन कॉल करने के लिए आपको एक्शन डिस्पैच करना पड़ता है, यानी जब आपने एक्शन बुलाना है ना तो एक्शन अरसाल कर दो, तो इसका तरीका होता है उसको कहते हैं डिस्पैच करो, उसको पहले वो एक हुक की तरह काम करता है उसको कहते हैं यूज डिस्पैच। ये देखें जैसे ही करूंगा ना ये यूज डिस्पैच रिडक्स में मिलता है, रियल रिडक्स में, ये एक हुक की तरह, इसको भी मैं अनपैक कर लेता हूँ किसी वेरिएबल में, लेट या कॉन्स्ट कर लें डिस्पैच। अच्छा ये वेरिएबल है, ये एबीसी जो मर्जी रखते हैं, लेकिन नाम इसीलिए वो डिस्पैच रखते हैं कि नाम पढ़ के पता चल जाता है कि मैं क्या एक्शन डिस्पैच कर रहा हूँ। कॉपी करते हैं, मैं क्या कहता हूँ एक एक्शन डिस्पैच करता हूँ कौन सा, ऐड टू कार्ट ये वाला, और इसको मैं चूंकि इधर पैरा एक पूरा ऑब्जेक्ट पास कर रहा हूँ ये देखें इधर, तो इसको भी मैं कुछ ना कुछ एलिमेंट दे देता हूँ, और यही वाला एलिमेंट उठा के इसको एज ए पैरामीटर पास कर, यह आपका एक एक्शन ट्रिगर हो गया। इसको वेरीफाई कर लेते हैं जाके, कंट्रोल एस करते हैं और यहाँ पे आते हैं, मैं प्लस पे क्लिक करता हूँ, वो खैर वो उसको हम कर लेंगे। टू फिक्स्ड होता है वो मेथड होता है इसका,
सब टोटल का पढ़ा हुआ मेथड कि अगर इशारे के बाद दो वाली वैल्यू आपने लेनी है, स्लाइस तो कर ही सकते हैं, सब स्ट्रिंग भी कर सकते हैं, उसको कहते हैं, इसका होता है टू फिक्स मेथड होता है। चाहे खैर उसको अभी जो आप इससे छुटकारा पाने के लिए, ऐसी वैसे नॉर्मल प्राइस आपकी होती नहीं है कि पॉइंट्स में उसकी प्राइस हो, पॉइंट्स में प्राइस होती नहीं है, ये तो कोई बाय डिफॉल्ट ऐसा कोई डाटा आया हुआ है। आप इसकी वैल्यू ही ऐसी फिक्स कर दें, ये हम इसको कर देते हैं डॉलर की बजाय इसको कर लेते हैं, ये है क्या शर्ट है, तो शर्ट 3500 में कर दो। चलो उसके बाद ये कह रही, ये भी टी शर्ट है, ये ज़रा महंगी टी शर्ट है, ये हैंटन वाले सेल कर रहे हैं 47। ये मैन कॉटन जैकेट है, जैकेट बहुत महंगी है, ये सेल के साथ 8500 की है। मैन कैजुअल स्लिम फिट 2300। जॉन हार्डी वेमेन लेजेंड नागा गोल्डन सिल्वर ड्रैगन स्पेशल चेन, लो जी लड़कियों की चेन काफ़ी महंगी होती हैं, तो लिहाजा 12500 कर दे। यार गोल्ड प्लेटेड चेन है ये, गोल्ड प्लेटेड, वो भी उसके लिखा होता है 28 कैरेट 20 कैरेट गोल्ड प्लेटेड चेन। कैसे कैसे अक्सर जाए ना बंदा परेशान हो जाता है, वाइट गोल्ड, ये देखो उन्होंने लिख भी दिया वाइट गोल्ड प्लेटेड। चलो ये 10,000 में कर रहे हैं, रोज गोल्ड प्लेटेड, ठीक है इसको भी रैंडम दे दें 7200, तो बहुत ही ज्यादा बिल बन जाएगा 1500। आप रैंडम की कॉस्ट डाल देते हैं 2000, और एलईडी सैंडिस प्लस इंटरनल, तो ठीक है साटा हार्ड डिस्क है 3200। चलो गेमिंग ड्राइव वर्क्स काफी महंगे आते हैं लेकिन हम नॉर्मल ले लेते हैं, लो इसको एक दफा रिफ्रेश करें, कार्ड खाली, इधर आए यहाँ पे, ये ऐड करें, ये ऐड करें, ये ऐड करें, ये 168 में सिर्फ रह गया। चलो इधर आ जाए, ये देखें, अब आप अगर इसको टोटल करेंगे ना, ये देखें, ये साथ साथ टोटल हो रहा है, यही वाला टोटल, अब इन सब का टोटल इस जगह शो हो जाए, और इन्हीं सब का टोटल जो यहाँ पे शो होगा वो यहाँ भी शो कर दें। टैक्स जो आपका टैक्स आपने फ्लैट रेट रखना है, तो ये टैक्स इस अमाउंट में ये वाला टैक्स ऐड करके ऑर्डर का टोटल बना दें। हाँ जी, अब माइनस पे लॉजिक लिख लें, माइनस पे फिलहाल नहीं लिखी हुई अभी, डिक्रीमेंट, डिक्रीमेंट, डिक्रीमेंट की भी हमने लॉजिक लिखी हुई है, देख लें मैंने, ये देखें आप जाके इधर आए एक्शन में, ये सेम ही है, उसके रिवर्स है, जहां प्लस किया है वहां पे माइनस कर देना है। देखिए रिड्यूसर में जाए, या ये वाला मैंने लिख दिया, ये रिमूव फ्रॉम कार्ट, ये एक्शन ट्रिगर करने तो एक क्वांटिटी माइनस हो जाएगी। यहां पे जाए आप कार्ड पेज पे, माइनस में जाए इस पे, ये बल्कि लिखा है एक्शन, इसी को कॉपी करते हैं, इसी के अंदर चेंजेस कर लेते हैं, कॉपी और ऑन क्लिक पे हम कर लेते हैं डिक्रीज क्वांटिटी, DEC क्वांटिटी, और इस पे इसको करते हैं कॉपी, और इधर आ जाए इसकी एक और कॉपी बना लें, ये लो डिक्रीमेंटिंग क्वांटिटी बाय 1, और यहाँ पेस्ट कर दें। अब यहाँ पे एक्शन कॉल होगा रिमूव फ्रॉम कार्ट, क्या नाम है भाई ये वाला, केस रिमूव फ्रॉम कार्ट, ऐड टू कार्ट, बल्कि एक्शन किधर गया है, ये वाला, ये रिमूव फ्रॉम कार्ट, पहले हमने एक्शन ऐड टू कार्ट कर लिया, अब रिमूव फ्रॉम कार्ट कर दें, रिमूव ये आ गया फ्रॉम कार्ट, ये भी लिखा गया, इसको भी कंट्रोल एस कर दें, इसको करें माइनस, ये ले माइनस हो रहा है, प्लस हो रहा है, माइनस हो रहा है,
ये माइनस एक खास लेवल पे आके रुक जाएगा। अच्छा नहीं जीरो पे वो अब आप रोके ना इसको, ये अब आपके जिम्मे है। हाँ एक और भी ऑप्शन कर सकते हैं, ये जरा छोटा सा आपके जिम्मे भी लगाए ना, जब वो यहाँ पे पहुंचे तो आप उसको रिमूव भी कर सकते हैं। ये जब माइनस जीरो हो जाए ना तो ये वैसे ही डिलीट हो जाए। डिलीट की लॉजिक मैं दे देता हूँ आपको, इधर टोकरी पे क्लिक करें या जो बनी हुई शॉपिंग, इसको थोड़ा सा बड़ा कर लें, जी भी छोटी सी लग रही है। इधर आ गई ब्यूटी एंड, ब्यूटी एंड ये इधर गया, ये आ गया। तो इसको कर दें FS3। चलो इतनी तो ठीक है, इस पे क्लिक करें। तो इस पे क्लिक करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, भाई आपने इस टोकरी पे अगर क्लिक करनी तो क्या करेंगे, इसको पहले फिलहाल इसको बटन में रखें, बटन का बाद में सोचें बटन का क्या करना है। ये लें बटन में आ गई, इसका भी बाद में देख लेते हैं इसका क्या करना है, पहले लॉजिक तो लिखें भाई, लॉजिक क्लियर होनी चाहिए। ऑन क्लिक पे मैं एक कॉल बैक फंक्शन इसको देता हूँ और करता हूँ जी एम्प्टी या डिलीट प्रोडक्ट, डिलीट प्रोडक्ट, और इसको भी मैं एक पैरामीटर पास करता हूँ ये वाला, लेकिन कौन सी प्रोडक्ट डिलीट करनी है उसकी मुझे आईडी पास करनी पड़ेगी, क्योंकि मैंने अपनी जो लॉजिक लिखी ना वो इसके मुताबिक लिखी है। ये देखें तो ये फिल्टर है, ये मैंने आपको ये सिक्स में बताया था, याद करें मैंने कहा था कि आप यही वाली लॉजिक लिखेंगे। आपको उस वक्त मैंने कहा था, फर्ज करें आपके कार्ड में ये तीन प्रोडक्ट पड़ी हैं, 1, 2, 3, 4, मैं तीन को क्लिक करना चाहता हूँ और डिलीट करना चाहता हूँ, तो कैसे करेंगे, कार्ड डॉट फिल्टर एक्स और एक्स इज नॉट इक्वल टू वो 3 के, यही होगा ना। तो फिल्टर क्या करेगा, ट्रू डाटा रिटर्न करेगा। अब ये मैंने तो वैसे ही फॉल्स कर दिया है, ये डिलीट हो जाएगी, बाकी ये रह जाएगी 1, 2, 4। अब ये मुझे पता कैसे चली कि मैं इसी पे क्लिक कर रहा हूँ, ये मैंने फिल्टर कर लिया, जिस पे क्लिक कर रहा हूँ उसी की आईडी ली और जो डाटा मेरे पास अवेलेबल है, ये सॉरी ये डाटा जो मुझे मिल रहा है यूजर से जिस पे क्लिक कर रहा है यूजर, और ये डाटा जो मेरे पास पड़ा हुआ है कहाँ पे पड़ा है, शॉपिंग कार्ड में, स्टेट डॉट शॉपिंग कार्ड। अगर इसकी आईडी जहां पे नॉट इक्वल हो उसको मैं फॉल्स कर देता हूँ, बाकी डाटा मैं कार्ड्स के हवाले कर देता हूँ, दैट्स इट, और ये डाटा खत्म हो जाएगा, ये वाली चीज डिलीट हो जाएगी। हम इसको टेस्ट करके देखते हैं, कंट्रोल एस करें। हाँ लेकिन अब इस पे एक्शन कौन सा कॉल होगा, ये एम्प्टी कार्ड, एम्प्टी की जगह इसको नाम हमें गलत रख दिया वैसे, डिलीट कार्ड होना चाहिए। चलो अब एम्प्टी रह गया, ये खुद ही सही, पता नहीं कहाँ कहाँ चेंज करना पड़ेगा, फिर वो सारी लॉजिक खत्म हो जाएगी, दोबारा नए सिरे से देखना पड़ेगा। मैं यहाँ पे जाता हूँ, डेल की एक और बना लेता हूँ, यहाँ पे इधर एक और फंक्शन बना लेता हूँ, डेल क्या नाम है इसका, डेल 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 प्रोडक्ट, और ये इसको एलिमेंट पास किया और यहाँ पे कर दे एम्प्टी कार्ड, एम्प्टी कार्ड, ये ले, कंट्रोल एस करें, इधर आ जाएं, अभी तो कुछ भी नहीं है, इसको करें ऐड करें ऐड करें, इसको इसको दोबारा ऐड कर दें, ये लें, चलो इस पे क्लिक करें। हाँ ये नहीं होगा क्यों, जब इस पे करें क्लिक तो उसको वैसे पैरामीटर पास करने की क्या जरूरत है, जबकि मैंने डायरेक्टली उसको इधर मैंने क्या दिया एक्शन में। ओके यहाँ पे मुझे फिर आईडी देनी चाहिए ना उसको, यहाँ भी पे लोड के अंदर आईडी देनी चाहिए, क्योंकि तो मैं अभी आईडी पैरामीटर दे रहा हूँ उसको।
वो इधर हम गलत कर रहे थे ना, इधर भी जब मैं आईडी दे रहा हूँ तो इसको इधर भी तो डाटा देना, तो वो आईडी जहां पे मैच करे वो डिलीट कर दे ये लाइन। और जब कुछ भी ना रहे तो इधर क्या आ जाए लिखा एम्प्टी का, ये आप कैसे लगाएंगे, कैसे बनेगा ये, वो मैं आपको तरीका बता देता हूँ। जहां आपका टेबल बना ना, जब आप मैप लगा रहे हैं यहाँ पे आप एक लॉजिक लगा देंगे कार्ड्स डॉट लेंथ अगर ग्रेटर देन हो 0 से तो ये टेबल मैप कर दो। जो इसका एल्थ पार्ट होगा ना उसमें आप एक कंपोनेंट बना के उसमें लिख दो एम्प्टी कार्ड, अगर कुछ भी नहीं है तो एम्प्टी कार्ड आ रही है, एम्प्टी कार्ड का वो साइन कोई आइकन लगा देंगे यहाँ पे लगेगी वो। आपके दो काम है अभी करें, एक तो ये किधर चला गया है, एक तो टोटल करें, पहले यहां तक कर लें भाई, ये तो सिंपल है। टोटल कैसे वैसे करेंगे, जर्नल अगर पूछें तो टोटल कैसे करेंगे, सवाल तो ये है टोटल कैसे करेंगे यहां पर। कैसे करेंगे टोटल, हाँ क्योंकि ये पता कोई नहीं है ना, या तो आ रही हो ना प्रोडक्ट एक ही तरतीब में तो मैं उनको पकड़ के जमा कर दूं, टेंशन खत्म, पता ही कोई नहीं है किस प्रोडक्ट को क्लिक कर रहा है, किसी को क्वांटिटी वन है किसी को टू है, उनकी वो प्राइस आपने लेनी है जो मौजूदा हो और जितनी क्वांटिटी है वो लेके इसको सम करना है। दो तरीके हैं आप उसमें से एक चीज ऑप्शन अडॉप्ट कर सकते, तीन तरीके हैं बल्कि फॉर लूप से कर सकते हैं। आपके पास जब कार्ड्स की लेंथ आ गई है, कार्ड्स आ गया, इसमें से अगर मैं क्वांटिटी और प्राइस निकालना चाहूँ कोई मसला नहीं, ऑब्जेक्ट है ना पूरा, मैं क्वांटिटी और प्राइस को मल्टीप्लाई करके एक वेरिएबल में स्टोर कर जैसे सम करते थे। दूसरा तरीका शॉर्ट करना है तो मैप कर लें। थर्ड तरीका है रिड्यूस, वो ज्यादा टेक्निकल है, मैप आपने पढ़ा हुआ है आप मैप से कर सकते, मैप आपने पढ़ा भी हुआ है मैप तो कर ही सकते हैं, मैप का तो कोई मसला नहीं, करें भी शुरू करें कार्ड बनाना, इसीलिए मैंने लैपटॉप मंगाए थे। ये डाटा मैं अपलोड कर देता हूँ यहाँ तक सर जी, ये आज आप करके अपने हाथ से करेंगे ना तब समझ आनी, आप घर जाके छोड़ देंगे ना ये कार्ड नहीं समझ आनी, ये लिटरली लिख के रख लें, ये कोई चीज समझ नहीं आनी। अभी मैंने टूल किट करानी है जनाब, अभी इसी को जब टूल किट, अगर आपको ये वाला फ्लो समझ आ गया ना तो टूल किट मैक्स हाफ एन आवर में टूल किट कर लेंगे, लेकिन पहले आप अपने हाथ से एक दफा ये सारा फ्लो गुजारें। टूल किट बल्कि इससे कोड आधा हो जाना, आपके एक्शन रिड्यूसर खत्म होकर कार्ड स्लाइस बन जाएगी, बाकी मेरे जो स्टोर लिखा है उसमें हल्की फुल्की चेंज आएगी, सेम कॉलिंग है, यू सिलेक्टर सेम है, डिस्पैच सेम है, बाकी तरीका कार सेम, बल्कि कोड रिड्यूस हो जाएगा आपका। इस पे वैसे आप कोशिश करें, मैंने आपको हिंट दे दिया है अपडेटेड शॉपिंग कार्ड और आपके पास 20 मिनट है, चलो आधा घंटा ले लें हम इधर ही आ जाए अपडेटेड शॉपिंग कार्ड, घर तो नहीं जाना किसी ने, क्या कर लें घर जा, और सारी रात तो घर में ही रहे आप, यार जी सर जी
आवाज उस्मान साहब, मैं वैसे ही बता रहा हूँ कि जनाब आप डिजाइन नेट से भी कोई पिक कर सकते हैं, वो आप लोगों को टास्क दिया कंप्लीट करें। अच्छा ये एक आ गया, इसमें और भी है, देख काफी डिजाइन है, आपको जो पसंद आता है आप ये देखें ना इसमें आपको। हाँ ये भी एक डिजाइन पड़ा हुआ है, ये भी मजे का लग रहा है। ये ले अब ये देखो उसने किस तरह बनाया हुआ, ये भी चलते हैं कोपन वगैरह, ये भी है एक, ये चूज कर लें। हाँ ये भी चल रहा है आजकल, मकसद तो ये ना कि आपने उसको यूजर को बताना है भाई कि आपने ये शॉपिंग कार्ट में चीजें ऐड कर ली। ये बल्कि वो देखे चेकआउट का भी आ गया, ये लें जब वो बटन पे क्लिक करें ना चेकआउट पे तो इस पेज पे भेज दें उसको, क्रेडिट कार्ड पेमेंट कैसे करनी है। अमूमन वैसे कैश ऑन डिलीवरी पाकिस्तान में चलता है, लेकिन ये है कि वहाँ पे पेमेंट मेथड्स भी हैं, स्ट्राइप पेमेंट मेथड है, ब्रेन ट्री है, रेजर पेमेंट है, ज़्यादा स्ट्राइप चलता है इस वक्त दुनिया में ई कॉमर्स में। ये भी मजे का देखें डिज़ाइन बनाया, ये भी अच्छा बनाया डिज़ाइन, ये बना बनाया डिज़ाइन। ये क्लियर कार्ड, सारा कार्ड ही खाली कर दें। ये देखें, ये मैं कह रहा था ये दूसरी है इसकी लाइब्रेरी, MD बूस्ट है। ये भी डिजाइन अच्छा है, बजाय इसके कि आप टाइम को पाए, कितना मजे का डिजाइन बना हुआ। ये कोड पूरे का पूरा आपको मिल जाएगा HTML CSS। ये ले ये काम थोड़ी, असल तो काम तो वो वाला, ये भी एक डिजाइन उसने, ये भी अच्छा बनाया हुआ डिजाइन, ये भी डिजाइन ठीक है। डिजाइन जो मर्जी ले ले भाई, आपको काम असल लॉजिक लिखने का काम। ये वो साइड वाला भी आ गया, अगर कोई ये आप कहते हैं कि यार वो शॉपिंग कार्ट में खुले तो ये वाला डिजाइन भी आ गया, देखें और जो साइड पे खुलता है पॉप अप मेन्यू, ये अच्छा, इस पे उन्होंने प्लस माइनस भी कर रहे हैं, लेकिन वो प्राइस नहीं बढ़ रही उससे। ये देखें एक डिज़ाइन अच्छा बना है, ये रिमूव फ्रॉम कार्ट, इस पे वो हम लॉजिक लिख दें वही एम्प्टी कार्ड वाली, डिज़ाइन अच्छा बनाया हुआ उन्होंने, ये पिक कर लें। ऐड डिस्काउंटेड कोड अगर है तो कोई कोई भी ले लें, ये बनी बनाई, ये सारी बूटस्ट्रैप की चीज़ें हैं आपकी। असल काम है वो करना जो हमने अभी किया है, तो किस कार्ड पे एक्शन ट्रिगर कौन सा करना है एक्शन, और सबसे बड़ी बात आपने वो रिड्यूसर और एक्शन बनाने कैसे हैं, असल काम है ये वाला। ये दो काम फाइल इंपॉर्टेंट है, बोल रहे हैं। एक दफा आप आज कर लें हाथ से तो आपको कार्ड का तकरीबन 70% फ्लो समझ आ जाएगा। वो नहीं आया, हाँ वो किधर है, ऑनलाइन तो नहीं है, उसका कोई पता नहीं, वो खरीदने से चला गया कोई चीज।
जी उस्मान साहब, आपने प्राइस का टोटल करना है ये कार्ड बना के। जी अस्सलाम वालेकुम सर। और बताएं। सर जैसे कि हम अभी फेके पे से काम कर रहे हैं फ्रंट एंड पे, तो सर हम जैसे ही सर बैकएंड को स्टार्ट करेंगे तो फेके पे शो तो नहीं होगी ना, हमें डाटा शो करता हूँ। सर अपनी रियल एपीआई से कब काम करेंगे बैकएंड के साथ? घर करा भी दिया, पता नहीं कहाँ रह रहे थे उन दिनों। आप ये देखे ना, आप मेरा गूगल क्लास का भी खोल के चेक ही नहीं की। ये चेक करें जरा, ये क्या लिखा हुआ जरा देखते जाना। ये क्या है, डेटा MongoDB से गेट करना है। ये एक एपीआई बन गई है जी सर। गेट, ये एडिट करने की एपीआई बन गई, अपडेट करने की एपीआई बन गई, सर्च करने की एपीआई बन गई, सारा ऑपरेशन करा दिया। और कौन सी आप एपीआई ढूंढना चाह रहे हैं? जी प्रोडक्ट दुनिया में चार जी ही एपीआई हैं क्रैड ऑपरेशन की, और वो चारों मैंने फ्रंट एंड पे भी करवाई है, बैक एंड पे भी करवाई है। फ्रंट एंड पे डेटा ला के उसको डिलीट भी करना सिखाया है, अपडेट करना भी सिखाया है, ऐड करना भी सिखाया है, इवन के आप लोगों को सर्च करना भी सिखाया है। ये वैसे नॉर्मल आम काम ही मैं करवाता हूँ ये सर्च की फंक्शनैलिटी। तो मेरा अपना कुछ 6 माह का पूरा बैच चल रहा है, उसमें करवाता हूँ ये। और उसके अलावा बीक्रिप्ट पासवर्ड हैश करना, टोकन ऑथेंटिकेशन, टोकन की एक्सपायरी, जी सर, ये सर करिए, सब किया सर। तो सारी ये एपीआई है। और क्या रह गया, ये एपीआई है तो जी, सर वो प्रोडक्ट की बात कर रहा था। प्रोडक्ट ऑफ ये। अच्छा, इसका डाटा फर्ज करो, मैं आपको मिसाल देता हूँ। जब यूजर इसको करे पोस्ट पे क्लिक, चेकआउट पे क्लिक करे, तो करना क्या, डेटाबेस में डेटा भेजना है। कैसे स्टोर करेंगे डेटा, वो मैंने पढ़ाया हुआ है पोस्ट एपीआई। ये देखिए, इसमें आपने डेटाबेस भेजना, डेटा भेजना है आपने, डेटाबेस में डेटा ही भेजना है ना। जी सर, तो डेटा भेज दें, आगे जो फॉर्म खुलेगा ना, चेकआउट का फॉर्म आएगा, चेकआउट के फॉर्म पे आप यूजर का नाम लें, ईमेल एड्रेस लें, मोबाइल नंबर दें, और जैसे ही वो प्लेस ऑर्डर के क्लिक करें उसको डेटाबेस में स्टोर कर दें। और ये काम हम कर चुके हैं ऑलरेडी, जी सर, तो यही काम आपने चीजें की हैं। अब उन चीजों को अप्लाई आपने हर सिनेरियो बेस्ड अलग अलग करना है। मेरा काम था डेटा के सारे ऑपरेशन करके दिखा देना। जी सर। फॉर्म हैंडलिंग देखना, ये फॉर्म बनाओ, फॉर्म हैंडलिंग भी बल्कि किया हुआ है, फॉर्म से डाटा भेजना है। तो चेकआउट का फॉर्म को अलग थोड़ी होता है, ये फर्ज करें इधर वो आ गया, चेकआउट फॉर्म कर लेंगे। चेक आउट पे बोलता है अभी, इसकी बजाय ये लें, यहाँ पे आप नाम दें, लास्ट नेम, कंपनी एड्रेस, ईमेल, फोन, लेज, और प्रोसीड टू चेक आउट करें। जैसे प्रोसीड टू पे करें, ये डेटा डेटाबेस में पोस्ट हो जाए। बात कर पोस्ट ही करना है अब। उसकी आपने फ्रंट एंड भी लाइब्रेरी पढ़ ली है और बैक एंड भी पढ़ ली है। फ्रंट एंड से आप एक्सियस से पोस्ट कर सकते हैं, फैच एपीआई से कर सकते हैं, एसिंक अवेट से कर सकते हैं। फॉर्म हैंडलिंग पे अलग अलग आपने इवेंट और टारगेट और वैल्यू भी पढ़ लिया। ऑन बटन के क्लिक करने पे आप एक एक्शन कॉल करेंगे, और बैक एंड पे इसकी आप एपीआई लिख देंगे, एक राउट बन जाएगा, और डॉट सेव की कमांड लिख देंगे, रिक्वेस्ट डॉट बॉडी में जो फॉर्म का डाटा जा रहा है तो डाटाबेस में डॉट सेव से पोस्ट कर सकते। और ये शो किसको करवाना है, जो इसका ऑनर है उसका एक अलग डैशबोर्ड बना दें, वहां पे ये डाटा गेट, वहां पे गेट की एपीआई लगा दें। सिर्फ एक ईमेल पे एक्सेस ही ऑनर को दें, कि जब वो वाला ईमेल एड्रेस डाले तो वो किसी और राउट पे डाइवर्ट कर दें, सिर्फ उसे ही ऑर्डर शो हो, बाकी और किसी यूजर को ऑर्डर ही शो ना हो। ये भी हमने पढ़ा। अब तो छोटी मोटी चीजें, अब आपने ना ऐसा ऐसा इनको इंटीग्रेट करना डिफरेंट एंगल से। मैंने आपको इन जर्नल सारे टॉपिक पढ़ाए हैं, आप इसको चाहे ERP में अप्लाई कर लें, चाहे ई कॉमर्स में कर लें, चाहे CRM में कर लें, चाहे LMS पे कर लें, ये आप लोगों की अब अपनी प्रैक्टिस स्टार्ट होनी है। रीडर से कॉम्प्लिकेटेड है इसलिए मैं आप लोगों को कह रहा हूँ अभी कर लें, और ये वाइडली यूज होगा। अब जॉब की रिक्वायरमेंट आ गई है कि आप
साथ साथ इसको किया करें, रीडक्स अब बेसिक रिक्वायरमेंट ही उन्होंने बना दिया। सर टोटल करना है वैसे, तो इसका वैसे करेंगे कैसे? ये इक्वल प्राइस चेंज होने पे ये रीलोड होना चाहिए, वैसे तो उसने टोटल कर दिए, तो जब प्राइस बदले तो टोटल प्राइस अगर बदले तो इसको रीलोड करा दें। अब ठीक है, ये ले, ये भी हो गया जी।
ये आपका काम था, ये भी वैसे हो गया। अब वो बगैर लोड हुए सारे अपडेशन कर रहे हैं, माइनस करें प्लस करें, ये टोटल बिल बन रहा है। अब आप इसको इधर भी दिखा दें, सब टोटल में, सब टोटल यहाँ पे आ गया, सब टोटल बिल तो ये आ गया, ये सब टोटल में दिखा दें। पीकेआर के अंदर प्राइस बिल ये आ गया, देख इसका जरा कलर शलर बदल दें इसको, एक स्पैन के अंदर लिखें, स्पैन के अंदर लिख के इसको क्लास नेम दे दें एफ डब्ल्यू बोल्ड और टेक्स्ट डेंजर। अब वो भी ऐड कर दें उसमें, टोटल प्राइस भी ऐड कर दें, वो तो हार्ड कोडेड है, वो कंडीशन लगा के करें आप। हाँ कि अगर टोटल बिल आपका जो प्राइस है अगर वो 2000 से ज्यादा है तो एक्चुअल प्राइस आ जाएगी जो इस वक्त टोटल है, मतलब ये बिल है इस वक्त 2000 या 2000 से कम है तो प्राइस सेम ही रहेगी नीचे भी इस जगह पे, इस जगह कंडीशन लगेगी ऑर्डर टोटल पे, ऑर्डर टोटल पे भी फिलहाल प्राइस दे दें आप यहाँ पे प्राइस, या इस जगह कंडीशन लगेगी। इसको कर दें टेस्ट प्राइमरी एफडब्ल्यू बोल्ड और एफएस टू ये, इस जगह कंडीशन लगेगी इफ अगर ग्रेटर देन 2000 हो तो इसमें से ये माइनस करना है, इस जगह आप ऐसे प्राइस लगा सकते हैं ये वाला काम, इस जगह कंडीशन लगा देते प्राइस इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 2000 के, ग्रेटर देन पे सिर्फ लगाए 2000 के तो क्या करें, तो कर दें प्राइस माइनस 97 अदरवाइज प्राइस जितनी भी आप करना चाहते हैं भाई। अब कोई ऐसी चीज लेते हैं जिसकी प्राइस कम कम हो, 2000 से कम ही रखें इसको, ये एक और 1500, चलो ये दो चीजें ले लेते हैं 2000 से कम ही रखेंगे टोटल है ये देख। अब वो उसको नहीं शिपिंग चार्जेस बढ़ रहे, नहीं हमने वैसे 2000 से ज्यादा शिपिंग चार्जेस फ्री किए, 2000 से ज्यादा हाँ तो फिर हम ऐड कर देते हैं भाई, उल्ट कर दे, ये सो ये छोटा सा काम है, कुछ ना बड़ा मसले वाला नहीं है, ये करें ये करें। नहीं ये बराबर होनी चाहिए, ये बराबर होनी चाहिए, ग्रेटर देन बराबर, अरे अगर लेस देन हो गई, एक मिनट अगर तो 2000 से कम है तो प्राइस के अंदर ये ऐड होंगे, अदरवाइज ओरिजिनल प्राइस आ जाएगी। ओके
अब मैं करता हूँ जी, वहां ये है और ये है, ये कम है तो इसको अब पढ़ने चाहिए जाते। अब ठीक हो, अब अगर वो इससे ऊपर जाता है तो इसको चार्जेस नहीं पड़ेंगे। मैं कुछ सीधी सीधी अमाउंट ऐड करता हूँ 10,000 भाई, ये नहीं वो ठीक है ना, 11,000 वो ठीक है, ओरिजिनल आ रहे हो, ये भी लॉजिक होगी। अब चेकआउट के बटन पे क्लिक करें तो उसे आप वो फॉर्म वाले पेज पे ले जाएं, नेविगेट करा के जहाँ पे वो पूछता है आपका नाम एंटर करें, घर का एड्रेस एंटर करें। हाँ जी आ रही जाऊंगी, डिलीवरी बहुत है आगे, स्टाफ मेंबर है उसकी शादी है, जल्दी से कपड़े घर में जाने। आज मैच है तो 1:30 बजे में, अभी 1.5-2 हफ्ते पड़े हैं। हाँ नहीं तो अगर नहीं, चलो कोई मसला नहीं, मैच देखना देख ले, मैं ये उड़ गया ये पेपर। वैसे अब इस पे आपने चेकआउट पे चले, फिर ये कर सकते हैं फेवर कि अगर आपने करना है ना तो इससे अगला जो फॉर्म जब चेकआउट पे क्लिक करें तो अगला एक वो फॉर्म सिर्फ कॉन्टेक्ट फॉर्म खोलना है भाई, उसमें पूछे आपके घर का एड्रेस दें, ईमेल दें, फोन नंबर दें, किस पते पे ऑर्डर भेजना है। जब वो मैं प्लेस ऑर्डर पे क्लिक करूं तो डेटाबेस में डाटा स्टोर होगा, पहले वाला काम वो पोस्टिंग है भाई, ये हमने सारे काम किए हुए हैं। ये एक रहता था ये क्रूशियल टॉपिक का, इसलिए इसको लेदर ही रखा हुआ है। कल रिडक्स टूल किट करा दूंगा मैं, वो आप तकरीबन अगर आपको आता है तो इसमें ही मैं पूरा करवा दूंगा, वो हाफ एन आवर या मैक्स 1 घंटा लगेगा। हाँ लेकिन उसके लिए कंडीशन है कि तब मैं पढ़ाऊंगा जब ये आपका यहाँ तक प्रोसेस हो। आपको चाहिए था ये टोटल बिल खुद कर दे, ये वाला भी, ये आपने जावास्क्रिप्ट पढ़ी हुई है, मैंने आपको 2-3 ऑप्शन बताई थी, इसमें देखे ना मैप लग के आपको नई चीज है। मैप के अंदर आइटम डॉट प्राइस के साथ क्वांटिटी ऐड कर दी और एक वेरिएबल ले लिया टोटल का, और एक यू स्टेट लेके उसके हवाले कर दिए, प्राइस आ गई। प्राइस खुद बदलनी थी तो मैंने पेज को रीरेंडर करवाना था तो यूज इफेक्ट लगा दिया, वो रीरेंडर नहीं हो रहा था, यूज इफेक्ट के अंदर ये फंक्शन पास कर दिया। ये की हुई है चीजें, ये काम आप फॉर लूप से भी कर सकते हैं, ये काम आप रिड्यूस से भी कर सकते हैं, फॉर ईच से भी कर सकते हैं, लेकिन फॉर ईच का मसला है वो यूआई पे शो नहीं होगा। फॉर ईच और मैप में इंटरव्यू में पूछते हैं क्वेश्चन, दोनों में डिफरेंस क्या है, उन दोनों में यही सबसे बड़ा डिफरेंस है कि जो फॉर ईच है वो सिर्फ प्रोसेसिंग करता है कंसोल पे, जबकि मैप जो है वो प्रोसेसिंग भी करता है और यूआई पे डेटा भी रिटर्न करता है। बाकी दोनों की फंक्शनैलिटी सेम है, उसी तरह रेपिटेशन है, उसी तरह क्लोनिंग करता है, वो इंक्रीमेंट लेंथ तक चलना, वो सारा प्रोसेस सेम है, सिर्फ वो यूआई रिटर्न नहीं करता फॉर ईच। वो तब यूज होता है जब आपने कोई प्रोसेसिंग करनी हो, बैकएंड पे रह के कोई प्रोसेस फॉलो करना, यूआई रिटर्न ना करना। अगर यूआई पे कोई चीज शो करनी है तो ये मजबूरी है, देखो ना मैंने फिर मैप भी मुझे लगाना पड़ा है क्योंकि ये चीज मैंने अल्टीमेटली लेके जानी। हाँ जी इसीलिए मैंने आपको कहा था रीडर्स को ना छेड़ें, ये बहुत बड़ी दुनिया, आपने कहा जी कराएं कराएं। हाँ एक कल को टाइम मिल गया तो छोटा सा एक काम है, चैट ऐप और मैं पूरी वीडियो कॉलिंग ऐप इंटीग्रेशन तो नहीं करा सकता, वो काफ़ी लेंथी हो जाए, लेकिन ये मैं आपको इतना काम करा दूंगा कि आप चैट ऐप अपनी ऐप में ऐड कर सकते हैं, ज़रा आपकी वेबसाइट की इंटरेक्टिविटी बढ़ जाएगी। अब थोड़ी सी जाते जाते आपको थोड़ी सी फैंसी चीज़ें बता दूंगा कि आप अपनी वेबसाइट का ओवरऑल इंटरफेस बेहतर कैसे कर सकते हैं। वैसे तो इसको करते जाएं तो ये मैंने आपको बताया तकरीबन मैंने अब 6 माह का एक प्रॉपर कोर्स ही लॉन्च कर रहा है, जिसमें है ही यानी ये फुल स्टैक का ना उन्होंने अजीब ही खिचड़ी बताई हुई है। अब उसमें मैंने रखा है कि आप पहले जावास्क्रिप्ट पढ़ें, फिर रिएक्ट पढ़ें, नोड एक्सप्रेस मोंगोडीबी, फिर नेक्स्ट जेएस, जब वो कंप्लीट होगा फिर रिएक्ट नेटिव, यानी बंदा एक डोमेन का कंप्लीट मास्टर बन के निकल। अब इसमें और है स्नैरियो, PHP लारावेल भी है, मर्न भी है, मेन भी है, वो डेवलपर एक होकर मैं ऐसी चीज़ें कैसे देखो ना आपको तो और स्नैरियो हमें, लेकिन क्योंकि सिलेबस का ऐसा है देखिए हमें करनी पड़ती है,
ये चल रहा है अभी 4.5 घंटे का भाई, देख लारावेल में पहले पीएचपी कराई, जावास्क्रिप्ट करवा के फिर पीएचपी पे आ गए, दुनिया ही बदल गई। उसके बाद अब लारावेल भी पहुंचे हैं, अब लारावेल खत्म होनी तब रिएक्ट स्टार्ट होनी है। जब हम रिएक्ट करेंगे बच्चों को लारावेल भूल चुकी होगी, बल्कि मुझे ये टेंशन पड़ी है कि मैंने जावास्क्रिप्ट यहाँ पे करवा रही है, ये देख यहाँ पे। अब जब मैं पीएचपी और लारावेल पढ़ा के जाऊंगा ना रिएक्ट पे, तो उनको वेरिएबल और कंडीशन तक भूल चुकी होंगी, रिएक्ट सारी है जावास्क्रिप्ट बेस्ड है। इसलिए मैंने थोड़ा सा चीजें ना रिवैम्प की है कि बंदा एटलीस्ट पीएचपी का लगा 6 माह का कोर्स हो जाएगा, जिसने करना है वो पूरी तसल्ली से करे। अगर उसने डेवलप देखे, आप एक होकर में 3 डेवलपर नहीं बन सकते। मैं प्रोफेशनली खुद मर्न स्टैक डेवलपर, काम को आए तो इतना का मैं काम आता कि हम काम अपना चला लेते हैं, लेकिन एज ए करियर के तौर पे मैं एक ही लैंग्वेज के साथ काम कर रहा हूँ। अब मल्टीपल नहीं कि पाइथन में भी आप डेली शाम को करें, उसमें भी करें, वो फॉर फाइनेंशियल अगर कुछ सेटअप को इंक्रीज करना, कुछ प्रोजेक्ट आते हैं तो हम कर लेते हैं, लेकिन एज ए करियर नहीं रखा उसको, वो एक ही रखे हैं। ये मैं आपको रिकमेंड भी करूंगा, ये चीज़ मुझे तकरीबन 2-3 साल बाद समझ आई है। मल्टीपल लैंग्वेज में कभी 6 माह इसमें काम किया, कभी उसमें काम किया, लेकिन वो फ़ायदा कोई नहीं। आपको चीज़ें आती तो रहती हैं, लेकिन आप जैसे ही आप हटेंगे ना रिएक्ट से, आप जावा कोर जावा पे जाएंगे, वो है ये ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड, ये प्रोसीजरल लैंग्वेज है, आपकी टोटल डायमेंशन ही बदल जानी है। और वो SQL के साथ हार्ड DBMS चलती है, रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट, जबकि इसमें नो SQL है, MongoDB। वो आपको वैसे ही दोनों अलग अलग दोनों यूनिवर्स हैं। ये इसकी डिमांड बहुत ज़्यादा है, मैं आपको बार बार कह रहा हूँ कि खाली फ्रंट एंड में भी आप मास्टर बन जाए ना, तो यू कैन ग्रैब एटलीस्ट अ हैंडसम और रीजनेबल अमाउंट जॉब इवन फ्रॉम द स्टार्ट। उसमें ये टॉपिक ऐड होना है रिडक्स, आपको राउटिंग परफेक्ट आती हो, APIs सारी आती हैं, APIs के मेथड्स आ रहे हो आती हैं, क्रिएट रीड अपडेट लीड, प्रोटेक्टेड राउटिंग आती हो और रीडर्स आता हो, सवाल ही पैदा नहीं होता कि आपकी। हाँ ये पॉसिबल है किसी को 20,000 रुपये स्टार्ट हो, किसी की 60 रुपये भी हो सकती है, इट डिपेंड अपॉन योर स्किल लेवल्स। मेरे कई स्टूडेंट हैं जो स्टार्ट में 70-80 मिल गई, कई बेचारे बिल्कुल फ्री में स्टार्ट कर रहे हैं, कई ऐसे हैं जो 20-25 पे लगे हैं, कुछ 40 पे लगे हैं, और स्टार्ट पे ही मैं सबको आपको कह रहा हूँ स्टार्ट में। अब जो 70-80 पे पहुंचा है उसने डेली में बहुत ज़्यादा मेहनत की है, जो 40 पे है वो मिड लेवल का था, 4 से 5 घंटे कोडिंग करता था, जो 20 वाले हैं वो सिर्फ 2 घंटे मैंने पढ़ाया, 2 घंटे घर जाके काम कर लिया, लेकिन टॉपिक क्लियर थे। आप वो ट्रेडिशनल जो है ना वेब, अब हमारे पास जितने भी क्लाइंट्स आते हैं वो ना चाहते हुए BC पे बनवाते हैं, वो रिएक्ट पे ही वेबसाइट, क्लाइंट भी आजकल शार्प हो गए, उनको पता है कौन कौन सी टेक्नोलॉजी चलती है, तो वो कहेगा कि यार अगर मैंने .NET या पाइथन के साथ अगर मैं 80,000 दे रहा हूँ तो why I don't pay 122 रिएक्ट डेवलपर, लेकिन 20-30-40 हज़ार का फर्क है, और ये लैंग्वेज अगले 5-10 सालों के लिए टेंशन दे दी। रिएक्ट फास्ट, आप खुद देखें ये गोला में कि आप वेबसाइट पे जाके चीज़ें लोड करें वो लोडिंग हो रही है, हमारे पेज पे जाएं देखें ऐसे पता ही नहीं चल रहा है वो कार्ड में चीज़ें ऐड हो रही हैं, इतना वो सिस्टमेटिक तरीका इनका बना, देख उनके लोड होने में जरा इनका देखना। मैं इसको आप ऐड टू कार्ड करें अब सोचना शुरू हो जाएगा, और फिर इधर जाके आपने इसकी क्वांटिटी इंक्रीज करनी है ना, तो वो पेज एक दफा रीलोड फिर करेगा, वो भी तो कार्ड में ही पहुंचा। ये सिंपल जो है ना, मैं 2 प्रेस करता हूँ, आप देखिए ये ले। यानी अच्छा खासा यूजर का इतनी देर में माइंड बदल जाए। हाँ, और ऑन द कंट्रेरी आप देखें पेज रिफ्रेश भी नहीं हो रहा, डाटा ऐसे पेजेस के दरमियान आप स्विच कर रहे हैं, लोकल चीजों पे काम कर रहे हैं, देखिए। और ये लाइव भी ऐसे ही चलेगी, लाइव भी ऐसे ही चलेगी। क्लाइंट अब शार्प हो, कहते हैं यार ऐसे पैसे दे के फिर ऐसी वेबसाइट बनाए,
यूआई आपका काम है, ये क्रिएटिविटी का काम है। मैं बल्कि प्रेफर करता हूँ कि बैकएंड ज्यादा आसान है इसकी, उसमें पैसे भी ज्यादा हैं, लेकिन ये कि उसमें फिर मदद मारी कोडिंग लिख दी, ना आपको रंगों की टेंशन, ना बॉर्डर की टेंशन, ना मार्जिन की टेंशन। फ्रंट एंड से डाटा आ रहा है, आपने बैक एंड एपीआई लिख के उसको देनी है, पकड़ो जहाँ मसला आएगा आपने उसको सॉल्व कर दिया। एक दफा फ्लो बना दिया वो लगा रहे, अब इसमें फ्रंट एंड में चेंजेस आती रहती, बैक एंड पे जो लॉजिक लिखे वो एडिशनल नई फीचर ऐड होनी है। आपने जो एक दफा प्रोसेस बना दिया वो फिक्स साल साल चलता रहेगा। आज वैसे है मैच किस का? पाकिस्तान का स्टेट है। ये कौन सा मैच है? कौन सा मैच है ये? वर्ल्ड कप का वार्म मैच, वर्ल्ड कप के बिना उससे पहले मैच है। जी सर, असास है मैच क्या? असास अजाज नहीं, शबीर, ये दोनों ही नहीं सर, ये बड़े अरसे से ला सकते वो तो मेरा पहले ही उड़ा दिए थे। वो पहले ही उड़ा दिए थे भाई, स्टील ने कह के उड़ा दिए थे। मैंने एक रात लाइब्रेरी देख रहा था स्वाइप पर, हाँ इसको जरा देखें, ये काफी अच्छी है आपकी ना चीजों में, ये आपको जरा अच्छी इंटरफेस दे देती है। ये देखो कई आपको बने बने इसमें मजे मजे की चीजें मिल जाती हैं। उन्होंने डेमो की तरह रखे हैं इसे, वो तो रिएक्ट की तो देख, जावास्क्रिप्ट में ना अब उन्होंने काम ही बहुत ज्यादा कर दिया। उन्होंने लाइब्रेरी इतनी ज्यादा बना दी है, ये तो आपके वर्टिकल भी आ गए, तो इसको आप ऐसे वो भी लगा सकते हैं जो प्रोडक्ट के साथ छोटे 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 स्लाइसर बने होते हैं, स्लाइड पर भी ये भी आ गए। उसके लिए क्या यूज आप लोग करते हैं जो साइड पे लगाते हैं, जो छोटे छोटे प्रोडक्ट्स के भी बने होते हैं वो इसमें आता है जब इसमें, आई थिंक मैंने देखा था जलपरी में था, आई थिंक चेक कर लेते हैं। ये वैसे तो मसला तो कोई नहीं है, आप सिंपल इसको फ्लैक्स भी लगा सकते हैं। एनिमेशन थोड़ी, ये जो पिक्चर बदलती है ना ये स्टेट से बदलती है, हाँ रेज में बना सकते हैं, जिस पे क्लिक करें उसको आप मैप इधर करते जाएं, उसी के अकॉर्डिंगली फिल्टर कर दें। ये तो कोई बनाना, तो ये तो आप अपना कस्टम भी बना सकते हैं। ये अच्छा इन्होंने बनाया, ये वाला लड़का ये अच्छा बनाया है। Thank you.
राइटर के इसके मजे मजे के व्यू मिलना चाहिए। ये तो उन्होंने अमेज़न पे भी लगाया हुआ ये वाला। कोर को अप्लाई किया HTML का वाला अच्छा उसमें भी पैकेट और जेसन इंस्टॉल की हुई है। कोर में वैसे लग जाना चाहिए मेरे ख्याल में। नहीं को HTML और रिएक्ट का तो ऑब्वियसली मैं आइडिया है ना ये वाला लगाते रहे। प्रोजेक्ट कब तक वैसे आपका आइडिया बना के आपको दे दें डेट जान छुड़ाएं आपकी भी टेंशन खत्म हो। प्रोजेक्ट की डेट दे दें आपको कितना का टाइम चाहिए। कितना का टाइम चाहिए भाई नहीं बना रहा इसमें वो इंक्रीमेंट वाला ना रह जाए। वो तो आपको 6 महीने का तो वैसे ही मिल जाना। 6 महीने का आपको तो वैसे ही मिल जाएगा। वैसे भी ना वो सर्टिफिकेट की बेस पे थोड़ी जॉब मिलती है ये जेन से निकाल दें वो फिर भी का आपको जस्ट समझ लें सपोर्टिव डॉक्यूमेंट होता है। आप माइक्रोसॉफ्ट से भी डिग्रियां करके आए तो कोई फायदा नहीं होता। कोडिंग में कुछ जगह है जैसे नेटवर्किंग है उसमें सर्टिफिकेशन मैटर करती है। सिक्योरिटी में साइबर में उनमें सर्टिफिकेशन मैटर करती है जो भी सिस्टम है। इसमें हमारा कोई ऐसा नहीं है कोडिंग वाली साइड पर नहीं है। इसमें टोटल स्किल है इसका वो सर्टिफिकेट जितने मर्जी इकट्ठे कर लें। किसका डेट वो अब आप सोच के आए जो कहते हैं। वैसे हमारा जो डिस्प्ले है ना 11 कोर है इस दफा अगर उसमें अपीयर हो जाते हैं तो आगे ग्रैंड सेरेमनी आनी है 15 या 16 जनवरी को आएगी। तो पूरे अगर आप पूरे साल के जितने कोर्सेज होते हैं ना उसमें कुछ 7-8 हज़ार स्टूडेंट्स अपीयर होते हैं। अली ऑडिटोरियम ग्रैंड लेवल की करते हैं 50-60 कंपनीज आती हैं डिफरेंट पॉलिटिशियन आते हैं मुल्क के नामवर शख्सियात आती हैं काफ़ी यानी पूरा दिन वो हंगामा के खाना शाना पूरा सिस्टम बनाते हैं। उसमें आप अपीयर हो सकते हैं और ये सर्टिफिकेट आपको वहाँ पे फिर मिल जाएगा। जो टॉपर्स हो गए उनको गोल्ड मेडल वगैरह या उनको शील्ड मिलती है वहाँ पे स्टेज पे उनकी फोटोशूट वगैरह और बाकी भी स्टॉल्स लगे होते हैं। सबसे बड़ा फायदा पता है क्या वहाँ पे कंपनीज आती हैं बहुत ज़्यादा। पिछली दफा अराउंड 30+ कंपनीज थी और मौके पे सीवी ले रहे थे आपसे पूछते हैं। कई तो उनके टेक्निकल टीम है वो तो या तो आपकी सीवी लेती हैं एक दिन बाद आपको कॉल आ जाती हैं वहाँ पे आप अप्लाई कर सकते हैं। तो कोशिश करें अगर तो इसी दास को कर दें तो आपकी जान जुटेगी जनवरी में आप अपीयर नहीं तो फिर सर्टिफिकेट लेट हो जाएगा।
वो जनवरी में, लेकिन डिस्प्ले मैंने 11 को करवा देना, शायद आपको मैसेजेस भी आ जाएंगे काफी इन सब ग्रुप में, वैसे सर्कुलेट हो गया रात, आपको आज मैसेजेस आ जाएंगे। कर ले तो बेहतर है, कोई पाबंदी नहीं है, लेकिन आपका ही फायदा है। तो इतना फ्री में भी दे ही देते हैं ना पिंडर स्लाइड, और ये उन्होंने पेड़ में रखा है, देखो ना एक तरह के मोबाइल ऐप में बना रहा हूँ, बल्कि ना रात मैंने देखा था इसको, एक मोबाइल ऐप आई है नेटिव पे, उस पे मैं थोड़ा सा काम कर रहा हूँ। एक फिलहाल मुझे जो अच्छी लाइब्रेरी उसमें पसंद आई है वो रिएक्ट नेटिव पेपर की भी आई है मोबाइल ऐप के लिए, यूआई के लिए रिएक्ट नेटिव पेपर, उसकी यूआई को बेहतर बनाया है। वैसे रिएक्ट नेटिव में काम काम होता है यूआई पे, उसमें ज्यादातर काम जो है ना मोबाइल मोबाइल मैंने एक आई हुई है डॉक्टर की बुकिंग ऐप सिस्टम है, लेकिन वो खाली बुकिंग नहीं है, वो मेडिसिन, वो मेडिकल रैप का भी रोल है उसमें, ये इसमें अदरवाइज ये सारी स्टाइलिंग आपको खुद करनी पड़ती है। एक ये एक रिएक्ट नेटिव एलिमेंट थी, ये दो में से आज मैं जाकर सर्च करनी कि इसको अप्लाई किसको करूँ, ये दो फिलहाल शॉर्ट लिस्ट की हैं, इसकी भी ज़रा लुक अच्छी है, इसके भी आइकन वगैरह अच्छे मिल जाते हैं। ये इंस्टाग्राम वालों ने ना, और ये इन्होंने ये सारी चीज़ें इससे यूज़ की हुई हैं। इधर शो होता है प्राइसिंग कार्ड, iOS करें, हम मौज क्या कर सकते हैं आपका। कल फिर ये कि इसको स्टडी करके नेटिव को टूल किट को, लेकिन उसके लिए कि ये है कि आप एक दफा कम से कम ये वाला काम तो पूरा करें ना, रीडक्स आपको दोबारा नहीं मिलना, क्योंकि जो नेट पे मिलता है ना वो काफी जंबल्ड अप रीडक्स है, वो नहीं समझ आएगा। ये मैं बड़े एक्सपेरिमेंट कर चुका हूँ सारे, आप देखेंगे ना आपको दाएं बाएं जो पहले भी आता होगा कंसेप्ट वो भी कंफ्यूज हो जाएंगे। ये मैंने आपको बताया था, ये बड़ी मल्टीपल चीजों को मिक्स करने के बाद ये नया कंसेप्ट डेवलप किया, ऐसा आपको किसी एक फॉर्म पे नहीं मिलेगा। मैंने तो आपको पहले एक दिन पूरा तफसील बताई है, उसी फ्लो को हमने बना दिया, उसके अंदर तो लॉजिक ही है बात, असल फ्लो है इसका, तो फ्लो कैसे काम करता है, बाकी लॉजिक है। अब आप इसमें और कंडीशन ऐड करना चाहें कर दें, जितनी मर्जी कंडीशनल स्टेटमेंट ऐड करते जाए, आप इसमें GST ऐड कर दें वो भी आउटपुट होता जाएगा। मल्टर मल्टर का आप देखें टाइम बचेगा, एक चीज ही अब कर सकते हैं, या टूल किट कॉल करना या मल्टर कर लें, एक चीज होगी, एक दिन में एक चीज हो जाएगी। या मल्टर की मेरे पास मैंने पढ़ाई हुई है, वो मैं रिकॉर्डिंग दे दूंगा आपकी क्लास में शेयर कर देता हूँ।
इसमें मिल जाएगी, और ये है अभी लेटेस्ट ही है, कोई इतना पुराना नहीं है। हार्ड ये भी डेट देख लेते हैं, पता चल जाएगा। हाँ ये देखो ना, डाटा पोस्ट कर रहे हैं इमेज में। ये मल्टर का सेटअप आ गया, ये सेटअप मल्टर का आ गया, और ये फिर डाटा फ्रंट एंड से भेजा हुआ है। अपलोडिंग इमेज फ्रॉम क्लाइंट साइड, ये लिंक में सारे कॉपी कर देता हूँ, कॉपी इसको इसमें, बल्कि वो डिक्रिप्शन वगैरह भी आ जाएगी आगे, और वो भी आ जाएगी, वो कवर हो जाएगी। डिक्रिप्शन, टोकन ऑथेंटिकेशन भी एक ही लेक्चर में सारा हो जाएगा। उसमें ऑथेंटिकेशन भी है, उसमें आपकी डिक्रिप्शन भी है, और इमेज भी है, सारी चीज़ें एक वक्त में आ जाएंगी। हाँ ये अपलोड का फोल्डर बन गया, ओके। हाँ फाइल, ये बेनिफिट हो जाएगा आपको, जो आपके तीन टॉपिक्स है ना, वो तीनों एक में कवर हो जाएंगे। डिक्रिप्शन भी हो जाएगा, टोकन भी उसी में एक फ्लो में किया हुआ है। पहले तो आपने अलग अलग पढ़े हैं ना, वो डिक्रिप्शन रन टाइम पे कैसे करनी, साथ ही टोकन बनाया हुआ है, साथ ही उनके मिडलवेयर लगा के साथ ही पिक्चर लिए हुआ। यानी आपने अब तक जो जितनी पढ़ी है ना चीज़ें, वो सारी एक जगह इंटरलिंक हो जाएगी। इसमें इसको चेक कर लें, फिर भी एक दफ़ा घर जाके एक दफ़ा नेक्स्ट नेक्स्ट करके देखिएगा। तो मैंने पढ़ाया, और ये आपको मैं बता रहा था कितनी देर है, 30 अगस्त को पढ़ा है महीना, उसमें अभी तक कोई चेंज नहीं है, अभी लाइब्रेरी नहीं बदली। मैंने कोई चेंज आती तो मैं कह देता, और मैं वैसे भी कोशिश करता हूँ पहले कोर कॉन्सेप्ट पढ़ाता हूँ। आप ये पढ़ लेंगे ना, जितनी मर्जी जिद्दत आ जाए, ये ओरिजिनल नोड और जावास्क्रिप्ट से मैंने मल्टर पढ़ाया। आगे क्लाउडनरी आ गई है, S3 के पैकेज आ गए हैं, इसके अलावा कई नई लाइब्रेरीज और फ्रेमवर्क आ गए, फायरबेस पे भी अपलोड कर सकते हैं। S3 पैकेज अमेजोन ने दिया है क्लाउडनरी इमेजेस के लिए, इसके अलावा फायरबेस पे कर सकते हैं, लेकिन मैंने कोर कोड से पढ़ाया हुआ। कोर कोड का ये फायदा, लाइब्रेरी ना भी आप करें ना, जावास्क्रिप्ट की लॉजिक से आप कैसे पिक्चर अपलोड कर सकते हैं। देखें इसको, आपको ना समझ आए तो मैं गाइड कर दूंगा, ठीक है स्टूडेंट।